हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को तीन ब्लाउज एक साथ कट करना बताऊंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सीधे आपके पास आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमारा मेजरमेंट है। तो मैं आपको बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। इन तीनों को मैं बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग करके बताऊंगी। लंबाई है हमारी 14.5 इंच, अपर चेस्ट है 37.5, फुल बस्ट है 40, कमर है 34, शोल्डर है 15.5, आर्म होल है 17, गला है 7 इंच, आगे का और पीछे का 11 इंच, बाजू की लंबाई है 3.5 इंच, बाजू की चौड़ाई है 13 इंच, और बस्ट पॉइंट है 10.5 इंच, और बेल्ट है 12.5 इंच। तो ये हमारे टोटल 12 मेजरमेंट हैं, आप देख सकते हो। तो अब मैं कटिंग स्टार्ट करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना। तो ये देखिए, मैंने सामान ले लिया है। इसको आप देखिए अच्छे से, अब मैं तीनों कपड़ों को तरह ऊपर बिछा लूँगी अच्छे से। तो दो हमारे ऑरेंज कलर के कपड़े हैं और एक ग्रीन कलर का है, दो कलर मतलब एक से हैं। तो देखिए, अपर चेस्ट के हिसाब से मैं हमेशा कट करती हूँ। अगर आप देखते हो मेरी वीडियो को तो आपको पता होगा। तो अब अपर चेस्ट का हमें चौथा हिस्सा लेना होता है। तो मैं इसकी चौथे हिस्से से ही हमेशा कटिंग करती हूँ। अगर जो मेरी वीडियो को देखता है उसे पता होगा। तो अब इसका चौथा हिस्सा होता है 9.4 इंच, तो मतलब 9.5 इंच हो गया, एक पॉइंट कम। और ऐसे ही हम 40 का चौथा हिस्सा लेंगे, फुल बस्ट का 10 इंच। तो हम ऐसे ही लंबाई को हम 1 इंच प्लस करके लेंगे 15.5 इंच, और ऐसे ही हम कमर को भी ऐसे ही करके चौथा हिस्सा ले लेंगे, तो 8.5 इंच हो गया इसका। और शोल्डर का हम आधा लेते हैं, तो शोल्डर का आधा 7.5 इंच हो गया। और ऐसे ही हम आर्महोल का आधा ले लेंगे, तो 8.5 आर्महोल का हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें कर लेना है। और गला वगैरह तो बराबर ही लेना होता है, 1/2 इंच बढ़ाकर थोड़ा सा, क्योंकि सिलाई के लिए मार्जिन में जाता है। तो अब मैं देखिए स्टार्ट करती हूँ कटिंग। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस कपड़े को अपर चेस्ट को नाप के 2 इंच हमें एक्स्ट्रा रख कर कपड़े को ले लेना है। तो हमारा देखिए ये पॉइंट होते हैं, ये होता है 0.4 तक ये वाला है। देखिए, 2 इंच एक्स्ट्रा लेके मैं नाप लूँगी इसे, ताकि फिक्स अपर चेस्ट आ जाए हमारा और कपड़ा वेस्ट ना हो अगर कटिंग में जाए तो। तो इसीलिए मैं हमेशा पहले ही नाप लेती हूँ 2 इंच एक्स्ट्रा रखकर अपर चेस्ट से, तब जाके मैं सिलाई कटिंग के नंबर लगाती हूँ। तो मैं इसमें देखिए आलपिन लगा लेती हूँ, ताकि जो हमारे तीन कपड़े हैं वो हिलें डुले ना, नहीं तो हिल जाएगा एक भी पीस तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए तो मैंने सेट कर ली हैं पहले पिन से। तो आप भी ऐसे ही सेट कर लेना अगर आपको कटिंग करनी है तो, दो तीन ब्लाउजों की एक साथ। तो देखिए, 14.5 इंच हमारी लंबाई है, तो मैंने 15.5 इंच पर निशान लगा लिया है। तो अब शोल्डर है हमारा 15.5 इंच, तो हम इसका आधा 7.5 इंच हो गया। तब देखिए 7.5 इंच हम ऐसे भी नाप सकते हैं, अगर आपको नहीं पता चल रहा हो कैसे 7.5 हुआ। तो देखिए, पीछे गले के हिसाब से इसमें हम सीधा सीधा 2.5 इंच कम कर देंगे, क्योंकि अगर आपने मेरी चार्ट वाली वीडियो नहीं देखी हो तो देख लेना, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मैंने क्लास बाई क्लास आपको बताने की कोशिश की है। तो 11 इंच है तो 2.5 इंच कम कर देंगे शोल्डर को। देखिए, 5.25 इंच ही रह जाएगा केवल 7.5 इंच में से। तो 5.25 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है, और नीचे से 6 इंच पर निशान लगा लेंगे देखिए, और इधर से भी मैं 6 इंच पर ये निशान लगा लेती हूँ। और अब जो अपर चेस्ट है हमारी 9.5 इंच, तो मैं इसको भी निशान लगा लेती हूँ 9.5 इंच पर, 9.4 इंच पर। तो ये हमारा निशान हो गया।
और जो एक्स्ट्रा है वो मार्जिन के लिए है। तो अब देखिए आर्म होल हमारा 17, तो 8.5 हम नाप लेंगे आर्म होल को। ये थोड़ा सा कम आ रहा है तो मैं और बढ़ाकर नाप लूँगी इसको फिर से। देखिए अब फिक्स आ रहा है बिल्कुल, आप देख सकते हो। तो अब ये सही है, कम नहीं आना चाहिए, फिक्स हो या थोड़ा बहुत ज़्यादा ही हो तो अच्छा है। तो देखिए 3.25 इंच का हम शोल्डर को रख लेते हैं। आपको जितना रखना है आप इतना चौड़ा रख सकते हो शोल्डर को, बट ज़्यादा चौड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैंने 3.25 इंच रख लिया है। और 1 इंच में इसमें सिलाई में भी चला जाता है करीब 1.25 इंच। तो देखिए 11 इंच हमारा गला है, तो मैं 11.5 पर निशान लगा लूँगी, क्योंकि 1/2 इंच सिलाई में भी चला जाएगा और थोड़ा सा कट जाता है। तो आप इसमें कोई भी शेप दे सकते हो, चौकोर रख सकते हो, गोल रख सकते हो, पान रख सकते हो। तो हमारे कमर का निशान लगाऊंगी मैं 8.5 पर। देखिए और 1.5 इंच में टक्स के लिए ले लूँगी, और जो बाकी का बचेगा वो मार्जिन के लिए हो जाएगा। तो मैं मार्जिन को रख के ही मैं पहले से ही नाप लेती हूँ इसको, ताकि जो कपड़ा है हमारा बिगड़े ना। अगर हम ज़्यादा रख लेंगे मार्जिन से ज़्यादा, तो वो जो कपड़ा बचेगा वो पट्टी, तो वो बिगड़ जाती है पट्टी, कोई भी काम की नहीं रहती हमारी छोटी सी जो पट्टी बचती है। तो ये देखिए मैंने शोल्डर पर थोड़ा सा मैंने ऐसा तिरछा निशान लगा दिया है, ताकि शोल्डर गिरने से बचे बचा रहे। ये देखिए अब ये हमारी पीछे के पल्ले की कटिंग हो चुकी है। तो ये हमारा पीछे का पल्ला है, आपको भी पता होगा। तो आपको ये पिन लगाई हैं, आप कट करके बाद में निकालें। देखिए तो ये हमारे 3 ब्लाउज की कटिंग एक साथ में हो गई है, आपको अलग अलग कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके ब्लाउज एक पड़े हुए हैं 4-6 इकट्ठे, तो आप 1-2 बार में ही कटिंग कर सकते हो, आपको बार बार पर कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप एक साथ सिल रहे हो तो। तो देखिए मैं ऐसे कट लगा लूँगी, ताकि मुझे सारे पर्दों पर पता चल सके कि हमारा निशान कहाँ पर आ रहा है। तो अब मैं देखिए आगे के हिस्से के लिए कपड़े को फोल्ड करके बिछा लूँगी अच्छे से। तो फ्रेंड अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी हो, 1 से 10 तक मैंने स्टिचिंग आपको सिखाई हुई है। अगर आपको आती है तो कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं आती है तो आप वहाँ जाकर सीख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको वीडियो की। और मैंने इसकी बाजू की कटिंग भी बताई हुई है, तो अगर आपको इसकी बाजू की कटिंग देखनी है, मैंने इसकी बाजू की भी 3 ब्लाउजों की एक साथ कटिंग बताई है, तो आप वो भी देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो ये देखिए मैंने सेफ्टी ये पिन लगा ली है, और 1 इंच करीब इधर मैंने कपड़ा ये छोड़ दिया है, क्योंकि इसमें टक्स वगैरह आ जाता है और ये थोड़ा बहुत तिरछी लाइन वगैरह होती है, तो इसीलिए। तब देखिए सबसे पहले मैं इसमें शोल्डर नाप लेती हूँ। तो शोल्डर है हमारा 15.5 इंच, तो हम इसमें भी 5.25 इंच ले लेंगे, क्योंकि हमने पीछे भी 5.25 इंच लिया है। वैसे अगर हमारा 7 इंच गला खुला हुआ है तो मैं 5.25 इंच ही ले लूँगी, और नीचे से भी हम 5.25 इंच पर निशान लगा लेंगे। देखिए और ऊपर से नीचे हम 6.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं, क्योंकि 1/2 इंच हमारा टक्स में जाता है, 1/2 इंच। तब देखिए मैंने जो गोलाई दे दी है, वर्स्ट पॉइंट है हमारा 10.5 इंच पर, तो मैं 1/2 इंच जो ऊपर सिलाई में जाता है उसके लिए ले लूँगी। तो 11 इंच पर मैं निशान लगा दूँगी। और अब हमारी देखिए बेल्ट है हमारी 12.5 इंच पर, तो 12 इंच 12.5 इंच की बेल्ट है, तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, आपको पता होगा वैसे तो, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाता है और 1/2 इंच नीचे सिलाई में जाता है, तो 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। तो ये हमारी बेल्ट का निशान हो गया और पॉइंट का निशान हो गया। अब देखिए एक और निशान लगाऊंगी मैं अभी ऊपर, ये 1 इंच का हमें ये वाला निशान लगाना था, तो ये मेरा ये स्केल है वो 1 इंच का है, तो मैं इसी से अंदाजे से लगा लेती हूँ। तो ये 1 इंच का ही है फिक्स। तो देखिए 3.25 इंच का मैं शोल्डर पर निशान लगा दूँगी, जबकि मैं हर ब्लाउज पर लगाती हूँ ज़्यादातर। और 7.5 इंच का मैंने गला कर लिया, क्योंकि 7 इंच का गला है तो 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा। तो आपको जितनी भी चौड़ाई लेनी है आप उतना चौड़ा ले सकते हो गले को। तो देखिए अब मैं टक्स लगाऊंगी 4.5 इंच पर, ये टक्स आप 4 इंच पर भी लगा सकते हो, तो मैंने 4 इंच पर ये टक्स लगा दिया है।
जो बड़ा वाला टक्स होता है ये हमारा 2 इंच का, 2.5 इंच का, जो हमें चेस्ट के हिसाब से लेना होता है ये। तो ये मैंने 2 इंच की दूरी पर लगाए दिए हैं ये दोनों टक्स। और ये जो हमारा चौथा टक्स होता है ऊपर वाला, इसे हम 2.5-3 इंच की दूरी पर लेते हैं। तो इसको हम देखिए ऐसे सीधा कर देंगे। ये हमारा करीब 1.25 इंच का टक्स होता है, ये वाला हमारा करीब 1.25 इंच का ही टक्स होता है। ज़्यादा नहीं लेते हैं इसे, नहीं तो ज़्यादा चुन सी दिखती है इस पर। और इसको भी हम देखिए 1.5 से ज़्यादा नहीं लेते हैं, 1.5 इंच से। और इसको हम 1-1.5 इंच तक ले सकते हैं, और इसको हम 2-2.5 इंच तक ले सकते हैं आराम से। अब देखिए अपर चेस्ट हमारी 9.5 इंच है, तो हम टक्स का भी हमें जॉइंट करना है, क्योंकि टक्स हमारा लगेगा तो उसमें भी चला जाएगा। तो हमने 10 इंच पर निशान लगा दिया है। तो अगर 1/2 इंच का टक्स आ जाएगा तो अपने आप 9.5 इंच अपर चेस्ट आ जाएगी। तो देखिए कमर हमारी 34 इंच है, मतलब कि 8.5 हो गया चौथा हिस्सा। तो अब देखिए 1 इंच का मैं ऐसे बेल्ट वाला निशान लगा दूंगी ऐसे करके। तो यहाँ से नाप के अब मैं इसको टक्स वाले निशान को छोड़कर 8.5 का नाप लूँगी, ताकि हमारी कमर जो है अच्छे से निकल आए। तो देखिए कमर निकल आई है। तो 2 इंच का मैंने मार्जिन रख दिया है। देखिए ये आगे का टक्स है जो, इसे हम ऐसे तिरछा निशान लगा देते हैं। ऐसे निशान लगा के ये टक्स लग जाता है तो अंदर कपड़ा चला जाता है, तो वो दिक्कत नहीं होती है, अच्छे से सफाई आ जाती है इससे, बस ये होता है। तो देखिए अब मैं बेल्ट इसी में से जो नीचे आ जाती है मैं इसी में से निकालती हूँ हमेशा, आपको पता होगा वैसे तो। अब मेरी वीडियो देखते रहा करो, बहुत ही ज़्यादा मैं अच्छे से समझाती हूँ अपने हिसाब से। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लेना फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो। और लाइक करके जाना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो देखिए ये हमारी कटिंग हो चुकी है। तो आप एक साथ कई ब्लाउजों को एक साथ कट कर सकते हो ऐसे ही अपने ब्लाउजों को। तो देखिए आगे से भी मैं ऐसे ही शोल्डर को कट कर दूंगी फ्रेंड। मिलते रहिएगा, फिर से मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। तो ये देखिए ये हमारा जो टक्स हैं वो मैं ऐसे ही सारे पार्टों पर लगा दूंगी। अब आपको मैं लगा कर नहीं दिखा रही हूँ, नहीं तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसको मैं कट लगा दूंगी साइडों में भी। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं, बाय।